Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says consider a collision between an oxygen molecule and a hydrogen molecule in a mixture of oxygen and hydrogen kept at a room temperature. Which of the following are possible? Okay. So देखो पहले हम collision की बात करते हैं. So collision कितने तरह से होते हैं? आपके पास दो तरह से collision होते हैं. एक होता है elastic collision and एक होता है inelastic collision. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो लॉस होता है ना काइनेटिक एनर्जी का दैट इज इक्वल टू जीरो. इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, राइट. एंड इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है. इट मींस जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी लेसर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, राइट. नाउ यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन स्टडी करना है एंड गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है दैट इज इलास्टिक कोलिजन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने एज्यूम किया है कि मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है दैट इज इलास्टिक कोलिजन. इट मीन्स जो एनर्जी का लॉस है काइनेटिक एनर्जी का लॉस है दैट विल बी जीरो. इट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. सो काइंड ऑफ एक मॉलिक्यूल का जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा दूसरे मॉलिक्यूल का उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, नो दिस इज नॉट पॉसिबल. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, ये भी पॉसिबल नहीं है फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, बट ये कोलिजन के टाइम पे पॉसिबल है. इन इलास्टिक कोलिजन के टाइम पे ये वाला केस पॉसिबल है, बट यहाँ पे हम गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं है. अगर यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं होते देन ये केस भी पॉसिबल था, राइट. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, यस सेम अमाउंट से जितना एक का इंक्रीज होगा उतना ही दूसरे का डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, राइट. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिक्रीज. सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. कीप वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.